ये कह रहा थ्री ब्लॉक्स विद मास m, 2m एंड 3m, ठीक है, आर कनेक्टेड बाई योर स्ट्रिंग एज सोन इन द फिगर, ठीक है, आफ्टर एन अपवर्ड फोर्स f, ठीक है, अप्लाइड इज अ ब्लॉक स्मॉल m, द मास मूव अपवर्ड विद कॉन्स्टेंट स्पीड v, ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक 2m, ठीक है, इसमें दिया है g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, पता है, देख लीजिए, इसमें कह रहा कि ये कांस्टेंट स्पीड से ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो मेरी बात समझ रहे हो, अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, जीरो, यानी एफ नेट क्या है, जीरो। तो ये क्या पूछ रहा है, इसका इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये कह रहा है कि 2m पे पूछ रहा है कि क्या बता दीजिए नेट फोर्स, तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कितना लगेगा 3mg लगेगा, और यहाँ पे हम लोग ऐसे टेंशन बनाते हैं, यहाँ पर कितना लगेगा 2mg, तो ये कितना हो जाएगा e की वैल्यू, ये क्या हमारा है वेलोसिटी, इसका कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, तभी तो नेट फोर्स जीरो आएगा, है ना, e की वैल्यू 3mg आ गई, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 3mg, तो यहाँ t लगेगा, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा इसे टी डैश मान लो, ये कितना हो जाएगा 5mg के इक्वल हो जाएगा। लेकिन रही बात, यहाँ पे टेंशन नहीं पूछा है, नेट फोर्स पूछा है, नेट फोर्स मतलब अगर ये 2m वाला जो ब्लॉक है, जितना फोर्स ऊपर होगा उतना फोर्स नीचे होगा, तभी इस पे नेट फोर्स जीरो आएगा, ठीक है, नेट फोर्स जीरो आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो आएगा, एक्सेलरेशन जीरो आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ये जाएगा तो एक ही साथ ना मेरे भैया, मेरी बात समझे, ये पूरा सिस्टम जो है कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स इस पे क्या है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो है, यानी इस 2m वाले ब्लॉक पे जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना फोर्स नीचे लगेगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, ये ऊपर मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, यानी इसका सी ऑप्शन करेक्ट।